बेटे ने की बाप की हत्या, पुलिस को गुमराह करने की रची थी साजिश। सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी के नेतृत्व पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। चौरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खड्डा निवासी रामनंद साकेत की हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक के दो बेटों ने मिलकर पिता की हत्या की और पत्नी ने साक्ष्य मिटाने में बेटों का साथ दिया था। वहीं पुलिस को झूठी कहानी सुनाकर गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन पीएम रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने बताया कि मृतक रामानंद शराब पीने का आदी था और रोजाना नशे में घर पहुंचकर झगड़े करता था। घटना दिनांक 15 नवंबर की रात भी वह शराब के नशे में पहुंचा और अपने बेटों से झगड़ने लगा, जिसके बाद दोनों बेटों ने मिलकर पहले तो डंडे से मारपीट की, फिर गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को घर के सामने फेंक दिया और सुबह जब हल्ला हुआ तो अनजानों की तरह पुलिस को शिकायत की और पुलिस को यह बताया कि शराब के नशे में पिता घर पहुंचा था और बाहर ही सो गया और सुबह उठा ही नहीं। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजा, जिसमें गला दबाकर हत्या की बात सामने आई। तब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और पूरे मामले का खुलासा हो गया। सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी के नेतृत्व में पूरी घटना के हर पहलू की जांच की गई, जिसके बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंच सकी। पुलिस ने मृतक के बेटों रितेश साकेत, नीलेश साकेत और मृतक की पत्नी राजवती साकेत को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया है। ये दिनांक 16/11 की बात है, तब थाने में सूचना प्राप्त हुई साकेत बस्ती ग्राम खट्टा थाना चोरहटा में कि एक व्यक्ति 50 वर्ष का जिसकी मृत्यु हो गई है और मृत हालत में पड़ा हुआ है। सूचना पर से तत्काल थाना स्टाफ पहुंचा और वहां पर तस्दीक की, मर कायम किया। तत्समय घर वालों द्वारा जानकारी दी गई और पुलिस को गुमराह किया गया कि संबंधित जो मृतक है वो रात्रि में चोट कहीं बाहर से लगा के आया था और घर में आके लेट गया था और सुबह उसकी मृत्यु हो गई। उक्त पर से अन्य लोगों से पूछताछ की और अन्य लोगों द्वारा भी, आसपास के लोगों द्वारा भी उक्त घटना के संबंध में कोई जानकारी देना नहीं बताया गया। तत्पश्चात इसमें आगामी विवेचना की गई, जांच की गई, पीएम कराया गया और जो भी साक्ष्य सामने आए उसके आधार पर फिर इसमें मर्ग पर से अपराध पंजीबद्ध हुआ है और इसमें जो चीज़ें विवेचना के बाद सामने आई हैं उसमें सामने आया है कि संबंधित की मृत्यु गला दबाकर की गई है और उस पर प्रहार किया गया था जिस पर से उसकी मृत्यु हुई है। तत्पश्चात उक्त साक्ष्यों के आधार पर जब घर वालों से सख्ती से पूछताछ की गई तो मृतक के दो लड़कों ने और उसकी माँ ने जुर्म करना कबूल किया। हत्या का मेन कारण घरेलू विवाद था, मृतक शराब का भी आदी था जिस वजह से वो शराब पी के रात्रि में 15 तारीख को आया हुआ था घर पर और उसी पर से लेकर उसका लड़के से विवाद हुआ और लड़के को अपशब्द कहे तो दोनों में जुमा झटकी हो गई और फिर उसके लड़के ने जो उसका मझला लड़का और छोटा लड़का था दोनों ने ताव में आकर गुस्से में आकर उस पर प्रहार किया और जब लकड़ी से उसको मारा तो उसकी मृत्यु न होने पर उसकी गला दबाकर हत्या की गई। ये घटना वही है कि लकड़ी के द्वारा जो वहाँ रात्रि में जो लोग खाना खाने के लिए बैठे थे उसके बाद फिर जब मृतक द्वारा अपने लड़कों को कुछ अपशब्द कहे गए तो लड़के को उस पर काफ़ी क्रोध आया और दोनों में झूमा झटकी हुई। बीच बचाव करने दूसरा लड़का भी आया, उससे भी झूमा झटकी हुई, फिर दोनों लड़कों ने मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी और इसमें उनकी माँ के द्वारा भी इस चीज़ में साथ दिया गया और उसके बाद साक्ष्य भी छुपाए गए और पुलिस को गुमराह भी किया गया और जब आगामी विवेचना में और साक्ष्य के आधार पर चीज़ें सामने आई तो उस पर से तीनों पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और वर्तमान में तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है।